आम आदमी पार्टी बाड्डा हलका अध्यक्ष राकेश चंदावास ने कहा कि 4 अप्रैल को जिनके अंदर 11 बजे एकलव्य स्टेडियम के सामने हुड्डा ग्राउंड में होने वाली किसान महापंचायत में जाने के लिए हलका के किसानों में काफी उत्साह है तथा किसान महापंचायत में हलका से हजारों की संख्या में जाएंगे। वहीं इस किसान महापंचायत को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे तथा किसान महापंचायत अध्यक्षता आम आदमी पार्टी हरियाणा के सह प्रभारी व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी किसान हितैषी है तथा जिस दिन से भाजपा सरकार द्वारा तीनों काले कानून लाए गए थे उसी दिन से लेकर आज तक आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता व नेता सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रहा है तथा कह रहा है कि तीनों काले कानून वापस होने चाहिए ताकि किसानों का भला हो सके। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार के खिलाफ रोष है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि 4 अप्रैल को जिनके अंदर ज्यादा से ज्यादा किसान पहुंचे आज घसोला मंदोली गुड़ाना निहालगढ़ इत्यादि अनेक गांव में जाकर किसानों को निमंत्रण दिया तथा किसानों ने पूरा आश्वासन दिया है कि केजरीवाल को सुनने के लिए वह हर हाल में जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि एक पूर्व विधायक सुखविंदर नरेंद्र मोदी के साथ आसाम में फोटो खिंचवाता है जो किसान विरोधी होने का प्रमाण देता है। हम किसान उसका घोर विरोध करते हैं। आज पूरे देश का मतदाता अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित है। 4 अप्रैल को किसान महापंचायत में जींद काफी संख्या में आदमी पहुंचेंगे। मैं राकेश चांदवास आम आदमी पार्टी हलका अध्यक्ष बाड़ला आज गांव-गांव का दौरा था। उसी दौरान हमारी पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता आजाद हिंदुस्तानी जी के घर मंदोला पहुंचे हैं और हमने इनको गाड़ियों के लिए स्टिकर दिए हैं और आजाद मंदोला जी ने हमें बताया है कि गांव की तरफ से 3 गाड़ियां यहां मंदोले की तरफ से उनमें 25-30 आदमी भर कर ये यहां से जींद किसान महापंचायत में पहुंचेंगे। इसी प्रकार अन्य गांव में भी आज हम प्रोग्राम चल रहा है। हमारे साथ युवा के हलका अध्यक्ष और पूर्व में सरपंच अनिल शोरण किसकंदा जी भी हैं। इसके बाद हमें घसोला गांव में जाना है, मकड़ाणी में जाना है और इससे पहले जोजू और गोडाना गांव में ये पोस्टर दे दिए गए हैं और किसान महापंचायत के लिए केजरीवाल को देखने के लिए कि लोग बड़े ही उत्साहित हैं और 4 अप्रैल को 11 बजे एकलव्य स्टेडियम के सामने हुड्डा ग्राउंड में भारी संख्या में बाड़ हल्के से किसान जाएंगे और केजरीवाल को देखने के लिए पूरा देश के किसान बड़ा उत्साहित हैं और पूरे देश के अंदर केजरीवाल जी की लहर चली हुई है। इसी कड़ी में बाड़ हल्के से भी हजारों लोग किसान महापंचायत में जाएंगे।